हाय गाइस, तो आज हम लोग ये क्या हो रहा है? अरे ये हो रहा है, तो हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं Huawei नोवा 3 की। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट राहुल। तो राहुल, आप सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो बैक है इसका बहुत ज्यादा सेक्सी है, मतलब Huawei ने एक चीज तो बहुत अच्छी कर दी है अपने फोन्स के साथ। कर तो दिए, बट लोगों का ओपिनियन बहुत वैरीड है इसके ऊपर। किसी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी लोगों को इट्स टू फ्लैशी फॉर देम। ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फिर फोन की बात हम शुरू करते हैं। तो आप पहले हम इसके स्पेक्स की बात करते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है फोन? इसमें स्पेक्स आपको मिलेगा किरिन 970 प्रोसेसर, जो कि Huawei का फ्लैगशिप चिप है। ओके, किरिन 970 आएगा, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, एक ही वर्जन है। की स्पेक्स तो यही है, और इसका जो कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल मोनोक्रोम लेंस है पीछे, और इट इज मेटेड टू अ 16MP RGB कैमरा। और आगे आपको 24 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, और प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। तो पहले बात करते हैं हम, आपने बताया इसमें किरिन 970 प्रोसेसर है, तो वो सेम प्रोसेसर मुझे Huawei P20 Pro में भी मिलता है जो 65,000 का है, सेम प्रोसेसर Honor 10 में भी है जो 32,000 का है, और इस फोन का प्राइस है 35,000 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये मारुति का इंजन है जो मर्सिडीज में भी फिट है, या फिर मर्सिडीज का इंजन है जो मारुति में भी फिट है? लाइक वो प्रोसेसर Huawei के पास प्रोसेसर वो खुद का यूज करते हैं, इसलिए दे हैव अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ प्रोसेसर से यूज। उनके हाई एंड में उनके पास Kirin 970 है, जो कि स्लाइटली इट्स बेटर देन द स्नैपड्रैगन 835, बट नॉट ऑन पार विद द 845 के इतना नहीं है। तो इनके पास अभी फिलहाल यही प्रोसेसर है जो कि दे आर यूजिंग ऑन सेट ऑफ वेरिएट सेट ऑफ डिवाइसेस। तो P20 का जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है, उसमें जो कैमरा का जो सेंसर है, उसके जो इमेजिंग कैपेबिलिटीज है, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, व्हिच इज व्हाई दे कमांड अ प्रीमियम प्राइस फॉर दैट डिवाइस। तो अब बात आपने कैमरास की बात उठाई है, तो पहले हमें डुअल कैमरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर Huawei ने P20 Pro में ट्रिपल कैमरा निकाला, अब इसमें आ गया है क्वाड कैमरा। उनके मिड रेंज लो एंड डिवाइस में भी था, Honor 9 आई में था, उसमें भी क्वाड कैमरा, हाँ, फ्रंट डुअल कैमरा, फ्रंट कैमरा और पीछे भी था डुअल। तो इसका मतलब मैं फ्रंट कैमरा से भी हम वो बोके इफेक्ट, सेल्फीज और वो सब ले पाएंगे, बिकॉज आपका जो दोनों जो कैमरास है, यानी जो फ्रंट कैमरा इसका है स्पेसिफिकली, वो एक डेप्थ सेंसर है, यू कांट यूज दैट कैमरा इंडिपेंडेंटली। आप वो 2 मेगापिक्सल कैमरा अलग से यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप Zenfone 5G में देखा होगा जो डुअल कैमरा सेटअप है, यू कैन इंडिविजुअली यूज बोथ द कैमरास, एक वाइड एंगल है हाँ। और एक प्राइमरी कैमरा है, तो वो दोनों कैमरा आप साथ में यूज कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है, सेकंड कैमरा इज ओनली फॉर डेप्थ सेंसिंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे Honor 10 भी है, और जिसमें मोर और लेस सेम स्पेसिफिकेशन है Honor 10 की भी, सेम चिपसेट है और स्पेसिफिकेशन भी सेम है, प्राइसिंग नियरली सेम है, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा कम है, ये 32,999, ये 34,999, 2000 के आसपास का डिफरेंस तो है। कैसे अगर किसी को चूज करना हो तो, मतलब किस में क्या खासियत है? कि मेन जो डिफरेंस है इसमें क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका बैटरी आपको बड़ा है, 3750 mAh का बैटरी है। ओके, तो बैटरी लाइफ शुड बी मोर। ओके, एंड Honor 10 में बैटरी लाइफ उतनी नहीं मिलेगी, स्क्रीन आपको छोटा मिलेगा, 5.84 इंच का है, 6.3 इंच का डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले है, और इसमें भी आपको सेम कलर ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, बट इसमें भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो यू कैन चूज दिस, इफ यू डोंट रियली केयर अबाउट द बैटरी लाइफ उतना, एंड यू नीड अ कॉम्पैक्ट डिवाइस, देन यू माइट वांट टू गो विद द, और जो दूसरा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो है इसका IR फेस अनलॉक, जो कि इसमें नहीं है। अच्छा, तो इसमें आईफोन एक्स टाइप वो 3D फेस आईडी टाइप का सिस्टम टाइप है, बिकॉज इट रात को फुल डार्कनेस में भी आप विदाउट द बैकलाइट यू कैन स्टिल अनलॉक द फोन। ओह ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब इसका जो प्राइस पॉइंट है उसमें ये कम्पीट कर रहा है डायरेक्टली फिर OnePlus 6 से। OnePlus 6 ने अभी पूरे मार्केट में आग लगा रखा है, लाइक दैट इज द स्मार्टफोन टू बीट राइट नाउ। तो क्या ये फोन OnePlus 6 से टक्कर ले सकता है, और मतलब किस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि ये बेटर है? स्लाइटली बिलो द OnePlus 6, अगर आप प्रोसेसर देखिए तो 845 इज अ फास्टर चिप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि Kirin 970 इज वेरी स्लो, इट्स ऑन पार, बट OnePlus 6 की स्पीड, हां बट Kirin, आप स्नैपड्रैगन 845 जितना तो
आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और कैमराज भी मतलब OnePlus 6 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो कैमराज में तो आई थिंक ये मोर और लेस सेम लेवल पे हो ही जाएगा, क्योंकि Huawei ने इसमें अपना वो AI फीचर दिया है। मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें जो AI फीचर जो दिया है वो ज्यादा एग्रेसिव है। अच्छा, आप कलर्स को ओवर सैचुरेट करता है मोस्टली। अच्छा। मैं नहीं इसे कैमरा मैंने AI फीचर ऑफ करके लिया, और मैंने इसका पोर्ट्रेट मोड भी देखा था, इट्स नॉट एज वेल डिफाइंड एज द इमेजेस ऑन द OnePlus, बट देन टू गिव सम लीवे टू द नोवा 3 का जो फर्मवेयर वर्जन जो है, इट्स एन अर्ली वर्जन, इट्स नॉट द रिटेल वर्जन। तो ये रिटेल फर्मवेयर पे आई होपफुली आई विल गेट बेटर इमेजेस, बिकॉज अभी फोन को लॉन्च होने में काफी टाइम है। अगस्त एंड में लॉन्च हो रहा है एंड दिस इज ऑन नॉट ऑन द रिटेल फर्मवेयर वर्जन, तो आई एम रेडी टू वेट एंड द रिटेल फर्मवेयर इज रिलीज एंड देन होपफुली उसके बाद कैमरा कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे। तो अब हम OnePlus 6 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक बैटरी लाइफ में भी ये OnePlus 6 से थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली इट हैज अ लार्जर बैटरी, तो 3750 mAh है, तो टेक्निकली ज्यादा बैटरी लाइफ मिलना चाहिए। एंड इसका चार्जिंग क्या, जैसे OnePlus 6 का डैश चार्जिंग एक ऐसा फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको आप मतलब 15 मिनट भी चार्जिंग पे लगाओ तो वो 30-40% बढ़ जाता है बैटरी। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा, ठीक है, नॉट एज फास्ट एज डैश चार्जिंग ऑब्वियसली, बट देन आपको आधे घंटे में अराउंड 50% चार्ज हो जाता है। और इसका UI यहाँ पे Huawei का कस्टम UI यहाँ पे है, और EMUI, और OnePlus 6 में मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ज्यादा फीचर रिच है या फिर आप स्टॉक एंड्रॉइड प्रेफर करेंगे? ये कम्प्लीटली ये जो बात है कम्प्लीटली यूजर डिपेंडेंट है। पर्सनली आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं काफी टाइम से Honor और Huawei डिवाइस यूज कर रहा हूँ, आई एम यूज्ड टू द EMUI, आई एम इक्वली कम्फर्टेबल विद स्टॉक एंड्रॉइड एज वेल, पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ फीचर्स EMUI में आपको ज्यादा मिल सकता है। अच्छा, तो अगर आप एक लेमन हो तो कुछ कुछ फीचर्स हैं जो इसमें आपको, तो आप थोड़ा अगर आपको पुराना एंड्रॉइड UI पसंद है, कैन स्टिल स्टिक विद द EMUI। तो फाइनल क्वेश्चन, अब हम लोग वीडियो के एंड पे आ गए हैं, फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या ये फोन मुझे खरीदना चाहिए या फिर मतलब किन लोगों को नोवा 3 खरीदना चाहिए अगर आप नया फोन खरीदना चाह रहे हैं? तो अगर आप बहुत सारे OnePlus यूजर्स देख रहे हो, यू आर नॉट रियली हैप्पी विद कि सबके पास OnePlus है, यू नीड सम चेंज, यू कैन गो फॉर दिस फोन, और यू कैन गेट द Honor 10, इट्स स्लाइटली लेसर, ऑलमोस्ट सेम फोन है, थोड़ा चीपर में आपको मिल जाएगा, सेम कलर ऑप्शन में भी आपको अवेलेबल है, कलर के लिए तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि सेम आपको साइज अगर छोटा चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको Honor 10 दे रहा है। साइज की बात ना ही करें, ठीक है। मेरे लिए काफी इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि 4K 60fps, जो कि इसके प्रोसेसर का लिमिटेशन है, इट कांट डू 4K 60fps, ठीक है, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मी हु इज लाइक इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वीडियोस एंड स्टफ, तो वो फीचर्स की वजह से मैं इसको शायद ना चूज करूँ, बट इफ यू डोंट रियली केयर अबाउट 4K 60, और एक जो की फीचर इसमें OIS नहीं है, अगर आप ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं या आपके मन में भी है कोई सवाल, तो जरूर उन्हें नीचे कॉमेंट्स में छोड़िए, हमारे एक्सपर्ट उनको आपके लिए जरूर आंसर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हम आपके लिए ऐसी रोज नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारे ऑफिस में पार्टी है जहाँ पे हमारी पेस्ट्री मिस हो रही है। ओके, बाय 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 बाय, पिज्जा खाना यार।